सभी को मेरा राम राम। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने ड्राइंग मास्टर का डिप्लोमा किया हुआ है और कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए छठी कक्षा और नाइन्थ कक्षा में जो ज्योमेट्रिकल का सिलेबस है, जिसमें बिंदुओं और रेखाओं का जो सिलेबस है, उनकी जितनी भी परिभाषाएँ बनती हैं वो सारी परिभाषाएँ मैंने इस वीडियो में डिटेल से विस्तार से बताई हुई है। आपको यदि शुरू शुरू में ये लगेगा कि ये तो बहुत ईजी सी परिभाषा है, आसान सी, हमने पहले भी पढ़ रखी है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको लास्ट तक ज़रूर लगेगा कि हाँ, सच में ही इसमें बहुत अच्छे प्रश्न बताए गए हैं जो कि हमने नहीं पढ़े थे। पढ़े थे तो हमारे दिमाग से वो बात स्किप हो गई थी, हम इस चीज़ को भूल गए थे। तो आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि छठी कक्षा और नाइन्थ क्लास का बच्चा कोई इस वीडियो को देख रहा है तो बच्चों, आपके लिए भी ये परिभाषाएँ याद करनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप इनको याद करते हैं तो आपको आगे प्रश्न को हल करने में किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो अब चैनल पर डालता रहूँगा। जिन लोगों ने कमीशन की तैयारी करनी है उनके लिए बहुत सारे वीडियो मैं आगे डालूँगा, क्योंकि 2018 में मेरा खुद का कमीशन क्वालिफाई हुआ था हिमाचल से। तो अब मैं जहाँ से मैंने तैयारी की थी, जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, उन नोट्स को मैं अब इसी तरह से वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा, इनकी मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे अभी आज मैं बिंदु और रेखा की वीडियो बना रहा हूँ, फिर आगे मैं कोणों की वीडियो बनाऊंगा। कोणों के करीबन 20-25 प्रश्न मैं आपको हल करके बताऊंगा, इसमें से परिभाषाएं बताऊंगा और कैसे कैसे ये परीक्षा में आते हैं वो मैं सारा पूरा जितना भी ज्योमेट्रिकल सिलेबस है वो सारा मैं इसमें आपको बता दूंगा। और मेरे पास 2010-12 से लेकर के जो बुकलेट्स है पड़े हुए पिछले सभी कमीशन के, उनको भी मैं सबको जो है ना वीडियो बना करके हल करके आपको अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो प्रश्न आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये कमीशन में आ सकता है, वैसे तो मैक्सिमम आ सकता है, फिर भी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये प्रश्न हमें सच में लगा कि अच्छा था। और यदि किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है कि ये प्रश्न हमें डाउटफुल है, ये सही नहीं है, या सही है तो थोड़ा और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके फिर नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर बता दूंगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैं सबसे पहले आपको बिंदु से शुरू करता हूँ, जहाँ से हमारी ड्राइंग शुरू होती है, डॉट से हमारी ड्राइंग शुरू होती है। बिंदु पे हमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे पहला हमारा बनता है कि बिंदु किसी स्थान को प्रकट करता है, दूसरा है बिंदु का कोई परिमाप नहीं होता है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डैश किस स्थान को प्रकट करता है, तो वहां पे आपने बिंदु डाला। ऑप्शन के लिए आपको चार ऑप्शन उसमें आएंगे, उनमें से बिंदु आपने सिलेक्ट करना है। जैसे आपके लिए आ सकता है कि डैश का कोई परिमाप नहीं होता है, तो वहां आएगा बिंदु। डैश की लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, तो वहां भी बिंदु आएगा। या किसी एक डैश से अनंत रेखाएं गुजरती है, तो वहां पे बिंदु ही इसका उत्तर आना है। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको अपने पास नोट डाउन भी आप इनको कर सकते हैं। आगे हैं रेखा, रेखा या लाइन सेगमेंट, रेखा या सरल रेखा किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं की मध्य दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा की केवल लंबाई ही होती है, रेखा की चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। ए लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ये किधर को भी कितनी भी आगे पीछे बढ़ सकती है, ये कहीं तक भी आगे जा सकती है। इसमें एक आता है रे, रे होती है किरण, एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है एक किरण कहलाती है। मतलब कि एक पॉइंट से शुरू होती है तो बैक साइड को तो नहीं जाएगी जहां से शुरू होगी, आगे को कहीं तक भी निकल सकती है, ये होती है रे। अगली परिभाषा है वक्र रेखा, यह कहीं भी सीधी नहीं होती है, मतलब कि ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये कहीं से सीधी नहीं होती है, इसे हम कहते हैं वक्र रेखा। जैसे प्रश्न आ सकता है कि ऐसी रेखा बताओ जो कहीं से भी सीधी ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, वक्र रेखा। अगला है क्षितिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन,
वह सरल रेखा है जो पूर्ण रूप से उस सतह पर हो जो शांत पानी की सतह है, उसे कहते हैं क्षितिज रेखा, जो बिल्कुल सीधी रेखा हो उसे क्षितिज रेखा कहते हैं। अगला है शीर्ष रेखा, वर्टिकल लाइन। वह सीधी रेखा अवलंब रेखा है जो साल सूल के समान पूर्णतः समानांतर हो, मतलब ऊपर से बिल्कुल सीधी हो, जैसे लंब गिराते हैं वैसे ही वो रेखा हो, तो उसको बोलते हैं शीर्ष रेखा। अगला है तिरछी रेखा, ऑब्लिक लाइन। वह सरल रेखा है जो ना क्षितिज हो और ना ही वह शीर्ष रेखा हो, मतलब ना तो वो खड़ी रेखा है ना वो सीधी रेखा, वो तिरछी रेखा होती है, ऑब्लिक लाइन उसको हम कहते हैं। अगला है समानांतर रेखाएं। ये है जो समानांतर रेखाएं होती, पैरेलल लाइन जो होती है, वह सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे से समान अंतर पर हों और कितना भी बढ़ाएं वह आपस में कहीं ना मिले। जैसे आपकी रेल की पटड़ी होती है, वो उसका उदाहरण है कि रेल की पटड़ियां बिल्कुल सीधी होती, आपस में बिल्कुल समानांतर होती है, वो कहीं पे भी आपस में नहीं मिलती है, उनको बोलते हैं समान अंतर रेखाएं। अगला है असमान अंतर रेखाएं। वह रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान ना हो तथा बढ़ाने पर मिल जाएं और विपरीत बढ़ाने पर फैल जाए, मतलब असमानांतर रेखाएं तो जिधर को झुकी हुई होगी रेखाएं, उधर को अगर बढ़ाएंगे तो आपस में मिल जाएंगी, और जिधर को उनका फासला ज़्यादा होगा उधर उस साइड को उनको बढ़ाएंगे तो वो आगे जा करके फैल जाएगी। अगला है आधार रेखा, जो रेखा भूमि के समानांतर हो या जिस पर आकृति बनाई जाए, वह रेखा उस आकृति की आधार रेखा होती है। अगला है दी हुई रेखा, जो रेखा प्रश्न में दी जाती है उसे दी हुई रेखा कहते हैं, और इसको हम हल्का दर्शाते हैं, इसको गाढ़ा नहीं दर्शाते। हमें तीन तरह की हमारे पास रेखाएं हम लगाते हैं प्रश्न में जब प्रश्न को हल करते हैं, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि तीन तरह की रेखाएं हम कैसे लगाते हैं। अभी सिर्फ आप दी हुई रेखा पर ध्यान दीजिए कि वह रेखा है जो प्रश्न में दी जाती है और इसको हम हल्के से दर्शाते हैं। रचना की रेखा, जो रेखा रचना क्रिया को प्रकट करे उसे रचना की रेखा कहते हैं। ये डार्क होती है, रचना की जो रेखा होती है ये थोड़ी सी डार्क होती है दी हुई रेखा से। दानेदार रेखा, जो रेखा प्रश्न को बनाने में सहायता करे उसे सहायक या दानेदार रेखा कहते हैं, और ये कमीशन में भी आया हुआ है, इसमें मैंने राइट लगा रखा है अपनी नोटबुक पे, तो ये कमीशन में किसी कमीशन में एक में आ चुका प्रश्न है। अगला है जंजीरदार रेखा, जो रेखा कुछ दूरी और रुकावट पैदा करें उसे जंजीरदार रेखा कहते हैं। जैसे लाइन, एक लाइन थोड़ी लगा करके फिर डॉट होता है, फिर लाइन होती है, फिर डॉट होता है, उसे कहते हैं जंजीरदार रेखा। अगला है उत्तर की रेखा, जो रेखा उत्तर में दी जाती है उसको मोटी करके लगाया जाता है, उसको उत्तर की रेखा कहते हैं, जिससे हम उत्तर दर्शाते हैं। अगला मैं आपको एक बताता हूँ पथ बिंदु। पथ बिंदु होता है वह चल बिंदु अपनी स्थिति गणितीय अथवा शर्तों के अधीन बदलता है, और स्थिति बदलते रहने से जो पथ बनता है उसे हम पथ बिंदु कहते हैं। अब मैं आपको कुछ खाली स्थान करवाऊंगा जो कि परीक्षा में अभी तक आ चुके हैं, कमीशन में जो प्रश्न अभी तक आ चुके हैं उनको मैं करवाऊंगा। जैसे शीर्षाभिमुखी कोण डेढ़ डैश होते हैं, तो यहाँ आएगा समान, शीर्षाभिमुखी कोण समान होते हैं। अगला है यदि एक तिरछी रेखा जो समानांतर रेखाओं को काटे तो डैश डैश कोण समान होते हैं, तो दो सीधी रेखा लगा रखी है समानांतर रेखाएं और एक ऑब्लिक लाइन उनको अगर काटती है तो उनके जो कोण है वो कौन कौन से समान कोण होंगे, तो वहां पे आएगा डैश पे आएगा संगत, जो साथ लगते हुए कोण है, जो संगत कोण है वो हमेशा बराबर होते हैं,
सम्मान होते हैं। अगला है, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं से बनी हुई आकृति को डैश डैश कहते हैं। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि अगर एक बिंदु है और वहां से दो रेखाएं निकल रही हैं तो उसे क्या कहेंगे, उन रेखाओं से जो आकृति बनेगी उस आकृति को हम क्या कहेंगे, तो वहां पर आएगा कोण। कोण जो है वो दो बिंदु, एक बिंदु से यदि दो रेखाएं निकलती हैं तो उस आकृति को कहते हैं कोण। अगला है, दो रेखाखंड सर्वांग संग होते हैं यदि और केवल यदि उनकी डैश बराबर होती है। तो आपने ऐसा रेखाखंड बताना है जो सर्वांग संग है, बिल्कुल बराबर है, तो उनकी केवल और केवल डैश बराबर होती है, तो वो होती है लंबाई। वो रेखाखंड है यदि उसकी लंबाई बराबर है तो ही वो सर्वांग संग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला है, दो कोण सर्वांग संग है होते हैं यदि और केवल यदि उनके डैश बराबर होते हैं। देखो पहला था रेखाखंड, अगर रेखाखंड सर्वांग संग है तो उनकी लंबाई बराबर होगी, और यदि कोण सर्वांग संग है तो क्या होगा, तो डैश में क्या आएगा, तो उनका माप बराबर होता है। वो दो कोण तब ही सर्वांग संग है यदि उनका माप बिल्कुल बराबर है, तो ही वो सर्वांग संग होते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न मैं आपको अपने वीडियो में करवाता रहूँगा। शुरू में मैं आपको परिभाषा कराऊँगा, लास्ट में मैं वो प्रश्न आपको करवाऊँगा जो आज तक परीक्षा में आ चुके हैं। तो अगली जो वीडियो बनेगी वो मेरी एंगल पे बनेगी, क्योंकि रेखाओं का तो मैंने आपको करवा दिया है, एक वीडियो बन चुका है इस पे। तो इसी तरह से चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।